नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप विराट कोहली को दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही T20 श्रृंखला का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस T20 मुकाबले में भारतीय टीम में रोहित शर्मा की वापसी हुई, उन्हें सूर्य कुमार यादव की जगह टीम में शामिल किया गया। दोस्तों उनके बाद इंग्लैंड के कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उसके बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित की गई भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए लोकेश राहुल और रोहित शर्मा फिर से भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत देने में असफल रहे। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज महज 6 ओवर के भीतर ही आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और ईशान किशन इस मुकाबले में कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन फिर भारतीय कप्तान ने अपने बल्लेबाजी का करिश्मा दिखाया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। जिस समय भारतीय टीम को जरूरत थी तब भारतीय कप्तान ने यह महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं उनके साथ मिलकर ऋषभ पंत भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर वह पारी के 12वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। ऋषभ पंत ने 20 गेंदों में 25 रन बनाए। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और महज 9 रनों पर मार्क वुड के शिकार बन गए। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने भारतीय कप्तान का बखूबी साथ निभाया और अंत में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 156 रनों के एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। एक समय पर तो भारतीय टीम का 120 रन बनाना भी मुश्किल दिख रहा था, लेकिन फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम इस बड़े लक्ष्य तक पहुँच पाई। दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम से मिले 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत तूफानी रही। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए जॉस बटलर और जेसन रॉय तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन फिर जेसन रॉय को युजवेंद्र चहल ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। जेसन रॉय 13 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी इंग्लैंड की रन गति पर कोई भी विकेट गिरने का असर नहीं हुआ और इंग्लैंड की टीम लगभग 9 की औसत से रन बना रही थी। लेकिन फिर 10वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर ऋषभ पंत ने डेविड मलान को स्टंप आउट कर दिया। मलान ने 17 गेंदों में 18 रन बनाए, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज जॉस बटलर इस मुकाबले में तूफानी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जॉस बटलर ने लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक पूरा किया। जॉस बटलर ही ऐसे बल्लेबाज दिख रहे थे जो भारतीय टीम के लिए खतरा बने हुए, और जॉस बटलर की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम को इस मुकाबले में 8 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय टीम की तरफ से कई ऐसी गलतियां हुई जिससे इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में जीत गई। भारतीय फील्डर्स ने कई ऐसे आसान से कैच छोड़े जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा और इंग्लैंड की टीम ने इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। तो दोस्तों आपके मुताबिक भारतीय टीम की हार का असली कारण क्या है, आप अपनी राय नीचे कॉमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।